देखिए, आज मैं ओट्स से बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। चलते हैं इसे बनाते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचे। देर नहीं करते हैं, चलते हैं बनाते हैं इसे। एक कटोरी ओट्स है, एक कटोरी बेसन, ये आधा कटोरी दही है। तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख दे रही हूँ। एक गाजर है, एक शिमला मिर्च और 3 हरी मिर्च, इन सब को छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ, या कद्दूकस भी कर लूँगी इनको। ये इडली कंटेनर में पानी डालकर गैस पर रख दे रही हूँ ताकि पानी रेडी हो जाए। देखिए, 10 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर जो शिमला मिर्च छोटा छोटा काटी हूँ वो डाल दूंगी, हरी मिर्च, ये गाजर मैं कद्दूकस की हूँ। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। देखिए, 1/4 चम्मच इनो डालेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसका बैटर रेडी हो गया है, अब देर नहीं करते हैं। ये इडली कंटेनर ले ली हूँ, इडली का ये मोड। अब इसमें तेल लगा लेंगे, सारे में अच्छे से। चाहे तो इसे आप कटोरी में भी बना सकते हैं, अगर नहीं है जिसके पास ये इडली कंटेनर का मोड तो। ऐसे ही सारे में लगा ले रही हूँ तेल। सारे में तेल लगा ली हूँ। अब एक एक में करके ऐसे भरते जाएंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि ये फूलेगा भी, थोड़ा कम कम ही भरेंगे। सारे में भर लेती हूँ। सारे में इडली डाल दी हूँ, एक एक करके लगा दे रही हूँ। सारे में इनको लगा दी। अब इसको कंटेनर के अंदर डालते हैं। पानी भी रेडी हो गया है, पानी बॉयल हो रहा है। इसके अंदर ये स्टैंड डाल देंगे, ढक्कन लगा दी हूँ। 10-12 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। देखिए, इडली कितनी अच्छे से फूल गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसको निकाल लेते हैं। निकाल ली हूँ इसे, अभी नहीं निकालने लेंगे इसको, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें से निकालेंगे।
सारे को निकाल लेती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इडली जब तक ठंडा हो रहा है तब तक तड़का बना लेते हैं। तड़का पैन रख दी, इसमें तेल डाल दूंगी। इसके अंदर राई डाल दूंगी और थोड़ा सा ये कढ़ी पत्ता है, ये सूखा हुआ है। देखिए ये रेडी हो गया है, गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है, इसको आराम से ऐसे निकालेंगे चाकू से, थोड़ा करके चाकू उल्टा करके करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है। बाकी सब ऐसे ही निकाल लेती हूँ। इसके ऊपर ये तड़का ऐसे डाल देंगे। आप लोग भी घर पे बनाइएगा और खाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा। देखिए हो गया रेडी खाने के लिए।